चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। नमस्कार, कुकिंग विद शालिनी में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे अष्टमी में बनने वाला चने का प्रसाद। बहुत ही टेस्टी प्रसाद बनता है, आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए है व्हाइट चने, जीरा, लाल मिर्च, अमचूर पाउडर, नमक, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर और रिफाइंड। आइए शुरू करते हैं हम अपना चने का अष्टमी का प्रसाद बनाना। इसके लिए हमने प्रेशर कुकर लिया है, इसको हमने गर्म कर लिया है। इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे, तकरीबन एक कड़छी हमने रिफाइंड ऑयल की डाल लेनी है। इसमें हम डालेंगे अपना जीरा एक चम्मच। आप देख सकते हैं जीरा भून रहा है, रिफाइंड ऑयल इसका मतलब हमारा गर्म हो चुका है। इसमें अब हम डालेंगे ये चने। चने हमने व्हाइट चने लिए हैं, इसको अच्छे से धो लिया है, धो करके इसको हमने सारी रात भिगो कर रखा है। इसको अब हम इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे पानी। तकरीबन एक गिलास पानी का हमने डालना है। इसमें डाल लेंगे नमक, नमक स्वाद अनुसार डालेंगे। मैं इसमें तकरीबन एक चम्मच नमक का डाल रही हूँ। लाल मिर्च कुटी हुई लेंगे, आधा चम्मच डालेंगे। इसको हिला लेंगे। आप देख सकते हैं पानी इसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, एक गिलास ही हम पानी का डालेंगे। और प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे। 10 से 12 सीटियाँ आने तक हम इसको प्रेशर कुकर में रखेंगे, उसके बाद इसको चेक करेंगे। 5 से 6 सीटियाँ से बच चुकी हैं, गैस को अब हम हल्का कर देंगे और इसको हल्की गैस पे जो है बिल्कुल इसको बजने देंगे। तकरीबन 15 मिनट के लिए हम इसको हल्की गैस पे इसको और बनाएंगे, उसके बाद हम इसको चेक करेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, इसको अब हम चेक कर लेते हैं। गैस हमने बंद कर दी, प्रेशर इसका निकाल लिया। आप देख सकते हैं चने में भी थोड़ा पानी है, इसको हम ड्राई करेंगे, गैस को दोबारा से खोलेंगे। चने को अब हम जो है पानी इसका ड्राई कर लेंगे। इसको हम हिलाएंगे नहीं, नहीं तो हमारे चने जो है वो टूट जाएंगे। हमने ऐसा जो है फ्लैट वाला लेना है, करछी हमने नहीं लेनी है, इससे हम करेंगे नहीं तो जो है चने जो है हमारे दूसरे वाले से टूट जाते हैं। इसको हल्के हाथ से हमने हिलाना है एक बार। पानी हमारा काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है, अब इसमें हम डाल देंगे भुना हुआ जीरा तकरीबन एक चम्मच। इसमें डालेंगे गरम मसाला आधा चम्मच, अमचूर पाउडर तकरीबन 1/3 स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, लाल मिर्च डालेंगे कुटी हुई तकरीबन 1/3 स्पून। पहले भी हम लाल मिर्च डाल चुके हैं, स्वाद अनुसार आप डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्च डालनी है। इसको हम हिला लेंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसको तेज़ गैस पे ही रखना है। कुछ देर हम इसको तेज़ गैस पे भी और रखेंगे ताकि हमारा पानी जो है इसमें बिल्कुल ही ज़्यादा ड्राई हो जाए। आप देख सकते हैं 5 मिनट के लिए हम इसको गैस पे तेज़ गैस पे रखेंगे। आप देख सकते हैं 3 से 4 मिनट हमें रखे हुए इसको हो गए हैं। इसका जो इसमें ऑयल है वो साइड छोड़ चुका हुआ है कुकर की। ये हमारे चने जो है बिल्कुल बन चुके हैं। हम इसको अभी भी जो है 3-4 मिनट गैस पे और रखेंगे ताकि हमारे चने जो है अच्छे से भुने जाएं। इसको हम हिलाते रहेंगे इस तरह से, बहुत ज़्यादा हमने नहीं हिलाना है, एक दो बार इसको हिलाएंगे। आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया चने बनकर हमारे तैयार हुए हैं। 3 मिनट हो चुके हैं, 3 से 4 मिनट ये हमारे चने जो हैं ड्राई हो गए हैं, बिल्कुल बन चुके हैं, भून चुके हैं अच्छे से। गैस बंद कर देंगे और इसको अपने जो है सर्विंग बोल में डालेंगे। अष्टमी का चनों का प्रसाद हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी प्रसाद बना है। इसको हम भोग लगाने के लिए हमारा जो है ये तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं बहुत ही आसान है बनाना इसको। आप इसे ज़रूर मेरी रेसिपी से बनाएं, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब और उसमें कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।